प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है नतीजों को लेकर। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है, पोस्ट लिखा है, जनता ने एनडीए पर भरोसा जताया। प्रधानमंत्री ने लिखा, जनता ने एनडीए पर भरोसा जताया। देश की जनता जनार्दन ने एनडीए पर लगातार तीसरी बार अपना विश्वास जताया है। भारत के इतिहास में ये एक अभूतपूर्व पल है। मैं इस स्नेह और आशीर्वाद के लिए अपने परिवारजनों को नमन करता हूँ। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूँ कि उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई ऊंचाई, नई ऊर्जा, नई उमंग, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ेंगे। तो प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर यह संदेश देश की जनता के नाम दिया है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं के समर्पण के भाव का भी जिक्र किया और कहा कि सभी कार्यकर्ताओं ने जिस समर्पण भाव से अथक मेहनत की है, मैं इसके लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो प्रधानमंत्री हर बार जीत के बाद या हर बार नतीजों के बाद इसी तरह से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे पीएम मोदी थोड़ी देर में। प्रधानमंत्री बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे, उससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर यह संदेश देश की जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं के नाम दिया है और एनडीए की जीत को ऐतिहासिक जीत करार दिया है। तो बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका इंतजार चल रहा है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री वहां पहुंचने वाले हैं, तैयारी हो चुकी है, बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है। तैयारी तो कल से ही थी, हालांकि बीजेपी को भी उम्मीद शायद नहीं रही होगी कि मैंडेट इस तरह का आंकड़ा इस तरह का आने वाला है। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इससे पहले उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में फिर हैट्रिक, उत्तराखंड में हैट्रिक लगाया बीजेपी ने। 5 की 5 लोकसभा सीट बीजेपी के खाते में। बीजेपी के सभी 5 सीटों पर प्रत्याशी अनिल बलूनी, माला राज्यलक्ष्मी शाह, अजय भट्ट, अजय टमटा और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी सीट जीती है। बीजेपी ने इससे पहले 2014 और 2019 में भी सभी 5 सीटों पर कब्जा किया था। जीत मिलने के साथ ही कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, बधाई दी। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाई है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस वक्त आप देख रहे हैं, जिन्हें गोद में उठा लिया बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, उनके समर्थकों ने। जीत का जश्न उत्तराखंड में बीजेपी खुलकर मना रही है, क्योंकि यहां पर क्लीन स्वीप, 1-2 नहीं, तीसरी बार क्लीन स्वीप किया है बीजेपी ने। तो उत्तराखंड के लोगों ने भर भर कर वोट दिया बीजेपी कैंडिडेट को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ उत्तराखंड के लोगों ने अपना भरोसा बनाए रखा है। और उत्तराखंड में जिस सीट पर तस्वीर सबसे पहले साफ हुई, जहां के नतीजे सबसे पहले क्लियर हो गए, वो सीट थी अजय टमटा की सीट अल्मोड़ा। अजय टमटा ने यहां से फिर जीत हासिल की, 2.5 लाख के वोटों से जीत हासिल की। पौड़ी गढ़वाल से अनिल बलूनी ने तकरीबन 1.5 लाख वोट से जीत हासिल की है। वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत 1.5 लाख वोट से उन्होंने भी जीत हासिल की है। अजय भट्ट 3.5 लाख वोटों से वो जीते, जबकि माला राज्यलक्ष्मी करीब 2.5 लाख वोटों के अंतर से जीती। यानी कि उत्तराखंड में बीजेपी के तमाम कैंडिडेट्स ने न सिर्फ जीत हासिल की, बल्कि बंपर जीत हासिल की है, बड़े अंतर से जीत हासिल की है। तो इस जीत के बाद बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता उत्तराखंड में उत्साहित हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी को बधाई देने पहुंचे, मिठाई भी खिलाई, सीएम ने भी मिठाइयां बांटी है। उत्तरकाशी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किस तरह से जश्न मनाया, ये भी हम आपको दिखाएंगे। आतिशबाजी की, एक दूसरे को मिठाई खिलाई और जीत का जश्न मनाया। टिहरी से बीजेपी उम्मीदवार माला राज्यलक्ष्मी को भारी मतों से जीत हासिल हुई है, 2.5 लाख वोटों से वो जीती है। यहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जनता का आभार जताया और जश्न की। तस्वीरें देखिए, पटाखे सबसे ज्यादा अगर कहीं फूटे हैं तो वो उत्तराखंड में ही है बीजेपी की ओर से। चमोली की स्थिति भी कुछ ऐसी ही, वहां की तस्वीर भी ऐसी ही देखने को मिली है। वहां भी उत्साह दिखा बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच, जीत का जोरदार जश्न उत्तराखंड में मिला है। तो पहाड़ पर बीजेपी ने सभी 5 सीटों पर क्लीन स्वीप किया है, बड़े अंतर से, बड़े मार्जिन से बीजेपी के तमाम कैंडिडेट्स यहां जीते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसके बाद जनता का आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता ने बीजेपी के कामों पर मुहर लगाई है, डबल इंजन की सरकार में भरोसा जताया और इसके लिए जनता का आभार उन्होंने जताया। पुष्कर सिंह धामी हमारे साथ हैं। सर, उम्मीद थी कि यही रिजल्ट कम से कम उत्तराखंड में रहेगा।
निश्चित रूप से देखिए, जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का देवभूमि उत्तराखंड की जनता के साथ लगाव है, हमने पहले ही कहा था कि उत्तराखंड की पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पांच कमल यहां से दिल्ली जाएंगे, पांचों कमल यहां से दिल्ली जा रहे हैं। ये जो रिजल्ट है, आपको लगता है ये रिजल्ट मुख्यमंत्री प्रशांत सिंह धामी के काम पे है, प्रधानमंत्री के नाम पे है, या कांग्रेस कह रही है कि आपने हिंदू मुस्लिम में इस तरीके से बांट दिया देवभूमि को कि हिंदू एक तरफ हो गए, मोमडनिया है नहीं, इसलिए बीजेपी जीत रही है? देखिये, पांचों सीटें माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहां की जनता ने दी हैं, और ये डबल इंजन की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में यहां काम करती रही है। तो उन्होंने 2022 में भी, 2019 में भी, 17 में भी, 14 में भी लगातार यहां की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है। हम आभारी हैं जनता के, और हमारा प्रयास रहेगा कि और तेज गति से, तेज और अधिक ऊर्जा से हम राज्य के विकास को आगे बढ़ाएं, राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक विकास पहुंचाएं। आप अलग अलग राज्यों में गए सर, और लगभग 60 ज्यादा आपने रैलियां की, रोड शो की, जो रिजल्ट आज सामने पे है, न्यूज 18 आप देख रहे हैं, वो रिजल्ट एक्सपेक्टेड रिजल्ट है या 400 पार का एक जो बार बार बीजेपी दावा करती रही वो एक्सपेक्ट, वो यहां पर नहीं हासिल हुआ? नहीं, देखिए, पूरा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन देश की जनता के सामने गया, और देश की जनता ने बहुमत दिया है एनडीए देश की मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, और पूरा एनडीए जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बना रहा है। बीजेपी की इस परफॉर्मेंस से, आप अपनी परफॉर्मेंस से संतुष्ट हैं उत्तराखंड? ये उत्तराखंड के सभी कार्यकर्ताओं का भी मैं धन्यवाद करता हूं, सभी हमारे देवतुल्य मतदाताओं का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमको पांचों सीटों पर माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए यहां की पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी के पांच कमल खिलाए हैं। हर जगह जो भी अंतर रहेगा उसकी समीक्षा करेगी पार्टी, चाहे अंतर 2 लाख का रहे, 3 लाख का रहे, 80,000 का, वो हर चुनाव के बाद होता है, और वो हमारी एक नियमित प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत चलेगा। शुभकामनाएं, धन्यवाद। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का साफ तौर पे कहना है कि बीजेपी ने जो मेहनत उत्तराखंड में की उसका रिजल्ट यहां पर है, और जो 2 साल में उनका कार्यकाल का बड़ा चुनाव हुआ है उसमें कम से कम बीजेपी एक बड़ी जीत हासिल करने में कामयाब रही है। कैमरामैन संदीप नेगी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। और लगातार तीसरी बार 5 सांसद जीतने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित हैं। महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, यूपी और उत्तराखंड में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ही है। कैसा है पहले तीसरी बार लगातार? देखिए, तीसरी बार हैट्रिक हमने बनाई है, और हमने निश्चय किया था कि कमल की, 5 कमलों की माला हम प्रधानमंत्री को भेंट करेंगे। मैं अपने उत्तराखंड की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जिस प्रकार से उत्तराखंड मोदी जी के हृदय में वास करता है, ऐसी उत्तराखंड की जनता के हृदय में मोदी जी रहते हैं, और वो जनादेश हमको प्राप्त हुआ है। और मैं विश्वास पूर्वक कह सकता हूं आगामी दिनों के अंदर जो भी चुनाव है उसमें हमारा कार्यकाल उत्साह से काम करेगा, और ये जीत का क्रम लगातार आगे बढ़ता रहेगा। ये जीत हिंदू मुस्लिम करके मिली है या फिर ये बीजेपी ने काम पे? मैं फिर बता रहा हूं, विकास की जीत है, पूरे देश के अंदर विकास की जीत है, किसी को गलतफहमी में नहीं रहना है। उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी, उत्तराखंड के अंदर सबसे बड़ी पार्टी, और अब तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में दिखाई दे रही है। हमने अरुणाचल में सरकार बना दी, हमने उड़ीसा में सरकार बना दी, और मैं कहता हूं एक प्रकार से बहुत ज्यादा अति उत्साहित अगर कांग्रेस हो रही है तो थोड़ा सोचे विचार करें कि कहां किस प्रकार की मात्रा उन्होंने हमको दी। नैनीताल और टिहरी को छोड़ के बाकी जगह पर सर अंतर घटा है, इस घटने की वजह? नहीं, समीक्षा करेंगे, हम चाहते थे कि हर जगह हम अच्छे मतों से रहो, लेकिन क्या कारण है, सब किन विषयों की समीक्षा रही, भविष्य में सभी सभी हम समीक्षा करेंगे। खुश है? बिल्कुल खुश है, कार्यकर्ता उत्साहित है, कार्यकर्ता उत्साहित है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, और उन्हें पूरी उम्मीद है कि अभी जो आने वाले चुनाव, निकाय का चुनाव हो, दौर विधानसभा के उपचुनाव हो, पंचायत चुनाव हो, या फिर 2027 का विधानसभा चुनाव, जिसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि उसके लिए भी तैयारी करने की जरूरत है। तो बीजेपी हालांकि इस जीत से जरूर खुश है कि तीसरी बार लगातार यहां पर 5 सांसद बीजेपी की जीते हैं। कैमरामैन संदीप नेगी साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। तो उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी को खुलकर जश्न मनाने का मौका दिया है, 5 की 5 सीट लगातार तीसरी बार बीजेपी की झोली में डाला है और बड़े अंतर से डाला है। यानी उत्तराखंड को लेकर प्रधानमंत्री जो प्यार जताते रहे हैं, उत्तराखंड की जनता ने भी वो प्यार बरकरार रखा इस बार, लेकिन उत्तर प्रदेश में तस्वीर बदलती बदलती नजर आ रही है। पौड़ी की बात कर लेते हैं। पौड़ी सीट से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी ने
बंपर जीत हासिल की। अनिल बलूनी ने कांग्रेस के गणेश गोदियाल को भारी मतों से मात दी है। जीत के बाद अनिल बलूनी ने रोड शो किया और जनता का आभार जताया। अनिल बलूनी ने पौड़ी मुख्यालय में जुलूस निकाला और जनता का अभिवादन किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत समेत बीजेपी विधायक दलीप रावत, रेणु बिष्ट और पौड़ी विधायक राजकुमार पौड़ी भी मौजूद थे। तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। टिहरी की बात कर लेते हैं। माला राज्य लक्ष्मी शाह यहां से कैंडिडेट थी और उन्होंने भी जीत हासिल की और लगभग ढाई लाख वोटों के अंदर से जीत हासिल की है और इस जीत के लिए उन्होंने जनता का आभार जताया। माला राज्य लक्ष्मी शाह ने इस जीत को पीएम मोदी के काम की जीत करार दिया है। तो पांचों सीट जीते, ये जीत हमारे उत्तराखंड के लिए कोई व्यक्ति के लिए नहीं है, मोदी जी के लिए, और मैं बहुत मुझे लग रहा है कि हमारा उत्तराखंड ने फिर एक बार और हमने बीजेपी ने हम पांचों सांसदों ने बीजेपी को आगे की है। बहुत अच्छी बात है जिस तरह से मोदी जी उत्तराखंड के ध्यान देते हैं, हम लोग ने भी, हमारे लोगों ने भी ये समझकर इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने पांचों सीट आगे कर बीजेपी को आगे करे हैं। सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। रीजन मानती है मैम, जीत में सबसे बड़ा रोल किसका है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, पुष्कर सिंह धामी का, आप सभी का आदरणीय मोदी जी का काम और यहाँ का भी, सभी लोगों का, चाहे धामी जी का हो चाहे सभी लोगों का, और हमारे जनता के प्यार सभी को, मैं सबको इंक्लूड कर लेती हूँ। मेरी में एक बात थी कि राजशाही को हटाना है, एक नाराजगी इस बात को लेकर कांग्रेस ने बड़ा एक मुद्दा बनाया कि जनता चाहिए राजशाही। देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ, मैंने पहले भी बोला, कोई किसी को चाहने या न चाहने पर नहीं होता है। भगवान आगे है, भगवान देखते हैं क्या ठीक है कहने, हम तो नहीं बोलते हैं, हम राजशाही होकर चल रहे हैं। अगर कोई और बोलते हैं तो उनका विचार है, हमारा विचार ऐसा नहीं है। हम तो सब अपने बच्चे को मानकर चलते हैं, सभी को, पूरा उत्तराखंड के लोग मेरे बच्चे हैं, मैंने सबको अपने बच्चे की तरह से हमेशा किया है और आगे भी करूंगी। शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच। तो माला राज्य लक्ष्मी जो टिहरी से चुनाव जीती है, उनका कहना है कि ये जो वोट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर है, उनकी सरकार के काम पर है, और उन्होंने कभी ये बात नहीं कही कि राजशाही वो दिखाती है या उस पैटर्न पे वो चलती है। उनका कहना है कि पब्लिक के लिए काम करती है और उसी पब्लिक ने उन्हें वोट किया है। संदीप नेगी के साथ।